आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। फैजाबाद थाना इनायत नगर इलाके के 5 नंबर चौराहे में हुई महिला की पत्थर से कूच कर की गई हत्या उसके पति ने ही की थी। महिला की बहन ने भी उसके पति पर हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। उसको आशंका थी कि उसकी पत्नी मकान अपने प्रेमी के नाम कर देगी। एसपी देहात संजय कुमार ने बताया कि ग्राम छत्ता का पूर्वा की रहने वाली पूर्णिमा यादव का 11 जुलाई की सुबह उसके घर में शव मिला था। पूर्णिमा के गंभीर चोट आई थी जिसके बाद क्षेत्र में ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई। हत्या में उसके पति नरसिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जो मौके से फरार था। पुलिस मुखबिर की सूचना पर 24 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी का पिंटू यादव के नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था जिसमें उसे शक था कि पत्नी के नाम उसकी संपत्ति वह उसके नाम कर देगी, जिसको लेकर 10 जुलाई की रात में उसका पत्नी से झगड़ा हुआ जिसमें पत्थर से लोढ़े से मारकर उसने पत्नी की हत्या कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इनायत नगर थाना अंतर्गत एक छत्ता का पूर्वा और उसके मेन रोड पर हाईवे पर ही एक महिला की हत्या हो गई थी। पूर्णिमा नाम की महिला थी जिसकी पति उसमें आरोपित था, जिसके खिलाफ मुकदमा कराया गया था उसके घर वालों द्वारा और उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। 3 बच्चे हैं उसके, एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और इनके बीच में चूँकि वो NH में वो जो उसका मकान था उसकी पत्नी के नाम था और पत्नी के नाम होने के नाते इनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं उस प्रॉपर्टी से मिस हो जाऊँ और ये प्रॉपर्टी का अच्छा कैसा मुआवजा मिल रहा था। तो उसके मद्देनज़र इनमें विवाद हुआ और विवाद को लेकर के इन्होंने जो है उसकी हत्या कर दी।